कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त हो चुका है और लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार की ओर से राहत देने के बाद अब आम जनता की जिंदगी फिर से सामान्य होती नजर आ रही है, लेकिन चिंता की बात है कि अब राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिव केस अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए अब राज्य सरकार पर निर्भर है कि वो प्रदेश में किस तरह की छूट देती है। लॉकडाउन तीन के बाद में एक बार फिर जनजीवन सामान्य होता नजर आ रहा है। जिस तरह से आप मेरे पीछे सड़कों पर जो यातायात नजर आ रहा है, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में भी अब लॉकडाउन तीन के बाद में जो लॉकडाउन शुरू किया चार किया गया, जिसमें जिस तरह की ढील दी गई है, उसमें जीवन जो फिर से पटरी पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से सड़कों पर जो लोग नजर आ रहे हैं, यातायात नजर आ रहा है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह की जो ढील दी गई है, उसी के अनुरूप फिर से आम जनता अपना जनजीवन शुरू करने जा रही है। बाजार में केंद्र सरकार की ओर से बाजारों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं गाइडलाइन में, साथ ही साथ में सभी सरकारी और निजी दफ्तर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे में जिस तरह से जो सड़क पर जो यातायात नजर आ रहा है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से लोग अपने काम की ओर निकल चुके हैं। सरकार ने जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें ग्रीन जोन और सहित जो तमाम जो प्रदेश में छूट देने की बात कही गई थी, वो राज्य सरकारों पर छोड़ी गई थी। बात करें प्रदेश की में, तो प्रदेश में सबसे अधिक जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जहां पर ग्रीन जोन बना हुआ है। उस एरिया में भी जहां जहां कर्फ्यू लगा हुआ है या फिर जहां पर कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, वहां पर फिलहाल किसी तरह की ढील नहीं देने की बात कही जा रही है। ऐसे में जिस तरह से यातायात नज़र आ रहा है, उसके ओर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर से शहर में जो आवागमन है या जिंदगी है, फिर से पटरी पर दौड़ती हुई नज़र आ रही है। इसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी के अनुरूप अब राज्य सरकार भी अपनी गाइडलाइन जारी करेगा और तमाम जो छूट है वो दी जाएगी। जयपुर से कैमरामैन यश माथुर के साथ मिलो के 16 A1 TV।